स्टडी विद एएसके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ औद्योगिक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जो ज्यादा नहीं, तीन चार औद्योगिक संस्थान उनके बारे में पढ़ के आज हम इसी वीडियो में आप सबको उद्योग नगरी जो है, किस कौन सी नगर, कौन सा जिला किस नाम से फेमस है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग औद्योगिक संस्थान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा औद्योगिक संस्थान है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। सहकारी संघ मतलब जानते हैं, कॉरपोरेशन यूनियन, क्या बोला जाता है इसको, कॉरपोरेशन यूनियन। ठीक, कॉरपोरेशन यूनियन, कॉरपोरेशन यूनियन उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पे है, कानपुर। ठीक, कहाँ है, कानपुर। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952। ठीक, अगला हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसकी स्थापना कहाँ है, कानपुर में, और कब हुई थी, 1954 में। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम दोनों की चर्चा कर लिए। दोनों कहाँ पे, हमारा कानपुर में। ठीक, आगे हम लोग प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, ये कहाँ पे, हमारा लखनऊ में। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहाँ पे है, लखनऊ में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, ये कहाँ पे, देखिए चर्म उद्योग या चर्म केंद्र कहाँ पे, हमारा ये हमारा कानपुर में, लेकिन चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है, लखनऊ में, कहाँ है, लखनऊ। ठीक, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे, हमारा कानपुर में। ठीक, ये कब स्थापना हुई इसकी, 1961, कब हुई, 1961। तो हम लोगों ने क्या देखा, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है, कानपुर में, इसकी स्थापना 1961 में। उत्तर प्रदेश लघु निगम लिमिटेड, लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है, कानपुर में, 1958 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, अच्छा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, तीन प्राधिकरण है, तीनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। देखिए गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो है नोएडा, और यही स्थापित है क्या, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहाँ पे है, जौनपुर में। इसको देखिए सीधा जो है उसका शॉर्ट नेम है, ठीक, जैसे हम लोग सातरिया, सातरिया औद्योगिक, अगर बात करें इंडस्ट्रियल विकास का, मतलब डेवलपमेंट होता है, प्राधिकरण का मतलब होता है जो एक आडि, मतलब ऑडिट करने वाला होता है। ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सातरिया औद्योगिक, ये नाम पे। और गोरखपुर का सेवोया से था सीडा, ये गीगा से है, गोरखपुर में गीडा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है, गोरखपुर में, सबको याद रहेगा। सीडा कहाँ पे है, जौनपुर में। ठीक, अब कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में, देखिए संगम नगरी, कुंभ नगरी, देखिए संगम नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना का संगम है, किसका, गंगा यमुना का, किसका, गंगा यमुना का। ठीक, कुंभ नगरी क्यों कहा जाता है, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। ठीक, और तीर्थराज क्योंकि यहाँ माना जाता है कि जितने भी लोगों को, पितरों को तीर्थ मिलता है यहाँ, पितरों को। ठीक, तो ये यहाँ पे है। अमरूद नगरी, इलाहाबाद का अमरूद फेमस, आपको इलाहाबादी अमरूद सुने होंगे। और ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है, प्रयागराज को, तो ये हमारा प्रयागराज। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज। आंवला नगरी, हमने कितनी बार आपको बताया, आंवला सर्वाधिक कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में, और यहीं पे हमारा आंवला का मुरब्बा सबसे ज्यादा बनता है। ठीक, आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ, कहाँ पे, आमों का नगर मलिहाबाद या लखनऊ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं गोरख धाम, गोरख धाम आपको पता है खिचड़ी मेला के नाम से जाना जाता है, और नाथ नगर इसको, गोरखनाथ है तो गोरखनाथ नगर से जान लीजिए, नाथ नगर। और गीता प्रेस, गीता प्रेस सेंटर कहाँ पे है, गोरखपुर में है, तो इन तीनों के नामों से क्या जाना जाता है, गोरख। ठीक, चर्म नगर, अभी हमने बताया चर्म उद्योग कहाँ पे है सर्वाधिक, रंगाई और पुताई का काम कहाँ होता है, कानपुर में, ये आप ही आपको बताए। उद्योग हमने बताया उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर अभी यहाँ लिखा है देखिए, तो ये कहाँ पे है, कानपुर। ठीक, छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी गाजियाबाद, देखिए दिल्ली से सटा हुआ है इसलिए छोटी दिल्ली बोला जाता है, और उद्योग नगरी तो है ही, और यहीं पे हमारा नाइट सफारी, सॉरी नाइट सफारी यहाँ नहीं, नोएडा। अब 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य,
नैमि सारण, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, नैमि सारण किस लिए फेमस है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और 30,000 तीर्थों का स्थान। ठीक, कैंची नगर या क्रांति नगर, ये कहाँ पे है? मेरठ में। हमने बताया सब सर्वाधिक कैंची उद्योग कहाँ पे है? मेरठ में है, इसी वजह से इसको कैंची नगर कहा जाता है। इत्र नगरी हमने बताया है, इसके पहले हमने बताया एक पार्क है, कौन सा पार्क है? सुगंध पार्क, उसको बोला जाता है परफ्यूम पार्क या सुगंध। परफ्यूम पार्क कहाँ पे हमारा? कन्नौज में है, और कन्नौज को हमने बताया था क्या? इत्र नगरी कहा जाता है, इसको खुशबुओं का शहर कहा जाता है। ठीक, काशी की बहन, देखिए गाजीपुर हमारा काशी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी के दाहिने तट पे ये भी स्थित है, इसको काशी की बहन कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली को, क्योंकि सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है? चंदौली में। ताज नगरी या पेठा नगरी, ताज नगरी से आप लोग समझ जाएंगे ताजमहल को ताज नगरी, और पेठा नगरी किसको बोला जाता है? आगरा को। लड्डू नगरी, संडीला हरदोई, हरदोई में सबसे ज्यादा लड्डू होता है, बनाया जाता है और वहां का फेमस भी है, तो संडीला हरदोई में क्या है? लड्डू नगरी। कृष्ण नगरी आपको पता है, मथुरा वृंदावन सब लोग जानते हैं। उपवन, पांच पर्वतों का क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा पांच पर्वतों का क्षेत्र क्या है? मथुरा है, इतने पर्वत। भू बैकुंठ वन, ये कहाँ पे है? मथुरा में। और पेड़ा नगर, पेड़ा नगर हमारा कौन सा है? मथुरा। ठीक, मथुरा के लिए और गोकुल बैराज याद रखिएगा, ये जो पेयजल के लिए है, और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक, बांस बरेली सुरमा नगरी, ये कहाँ है? बरेली में। बांस बरेली या सुरमा नगरी कहाँ पे है? बरेली। नवाबों का शहर, बागों का नगर या नजाफत का शहर, नजाफत का शहर, ये क्या है हमारा? लखनऊ। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, आगे हमारा पीतल नगरी या बर्तनों का शहर, मुरादाबाद। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर हमारा क्या है? मुरादाबाद है। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी, मुक्ति क्षेत्र, सीढ़ी नगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर, ये हमारा कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी में एक चीज और देखिएगा, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। ठीक, आगे हम लोग, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज किसको बोला जाता है? जौनपुर। सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। ठीक, अब चलिए हम इस पूरे क्लास का रिविजन कर लेते हैं एक बार। प्रमुख उद्योग प्राधिकरण और सबसे पहले औद्योगिक संस्थान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पे है? कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम दोनों कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक, आगे प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप कहाँ पे है? लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, ये हमारा आगरा है, चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड। और उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कानपुर है, जबकि उत्तर प्रदेश का लघु उद्योग लिमिटेड, ये कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये नोएडा में है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको सीडा, सीडा किस लिए बोला जाता है? देखिए सतहरिया सा से, देखिए सीडा हिंदी में लिखा गया, आप लोग एस आई डी ए समझिएगा, इसका संक्षिप्त रूप है सीडा का, सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो ये इसको बोला जाता है सीडा। तो ये हमारा कहाँ पे है? जौनपुर में है। इसके बाद हमारा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसको गीडा, देखिए गोरखपुर से शुरू होता है, जी जी आई इंडस्ट्रियल और विकास डेवलपमेंट प्राधिकरण अथॉरिटी, ये हमारा क्या होगा? गीडा हो गया। तो सीडा कहाँ पे? जौनपुर में। गीडा कहाँ पे? हमारा गोरखपुर में। ठीक, अब लोग हम फेमस नगरी की बात करते हैं। संगम नगरी किस लिए? गंगा यमुना का संगम है। कुंभ नगरी क्योंकि यहाँ कुंभ मेला लगता है, पितरों को यहाँ पे दान, पितरों के आके पूर्ण तिथि या सब चीजों में यहाँ पे उनकी अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं, इसको इसलिए तीर्थराज कहा जाता है। इलाहाबाद को इलाहाबाद नगरी में अमरूद फेमस है, इसलिए इसको अमरूद नगरी कहा जाता है। अगला, ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है हमारा? ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को माना जाता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं आंवला नगरी किसको कहा जाता है। आंवला नगरी हमारा है प्रतापगढ़। आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ, ये लखनऊ में पड़ता है मलिहाबाद, इसको आमों का नगर। गोरखधाम, गोरखधाम आप लोगों को पता है गोरखपुर में। नाथ नगर, गोरखनाथ मंदिर है इसलिए नाथ नगर इसको कहा जाता है। गीता प्रेस कहाँ पे है? गोरखपुर में, इसलिए गीता प्रेस नगर भी कहा जाता है। चर्म नगर या उद्योग नगर, देखिए उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे या उद्योग नगर कहे, ये सब कहाँ पे है? कानपुर में। चर्म नगर आपको पता है, चर्म एवं पॉलिश केंद्र कहाँ पे है? कानपुर में, इसलिए इसको चर्म नगर कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये हमने आपको बताया। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी, देखिए दिल्ली से सटा हुआ हमारा कौन सा है? गाजियाबाद है, इसलिए इसको छोटा दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली के अधिकांश निवासी गाजियाबाद में रहते हैं, और उद्योग नगरी भी इसको कहा जाता है। ठीक, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि,
नैमी सारण है, और 30,000 तीर्थों का स्थान ये भी नैमी सारण है। कैंची नगरी या क्रांति नगरी, ये मेरठ। क्रांति नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से जो है क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको क्रांति नगरी कहा जाता है। जबकि कैंची उद्योग यहाँ का फेमस है, इसलिए इसको कैंची नगरी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर, कन्नौज को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ परफ्यूम पार्क भी है, इसलिए कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। धान का कटोरा चंदौली। ताज नगरी या पेठा नगरी, ताज से आप लोगों को पता है ताजमहल, और पेठा नगरी आगरा को। ठीक, लड्डू नगरी संडीला हरदोई। लड्डू कहाँ सबसे ज्यादा फेमस है? संडीला हरदोई में। कृष्ण नगरी, कृष्ण भगवान का पता है आपको मथुरा में। पेड़ा नगर भी बोला जाता है, और पांच वर्तों का क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक, बांस बरेली, बरेली से याद रखिएगा बांस बरेली, और सूरमा नगरी ये ध्यान रखिएगा, सूरमा नगरी ये कहाँ बोला जाता है? बरेली को। नवाबों का शहर, बागों का नगर या नजाफत का नगर, ये क्या बोला जाता है? लखनऊ को। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर, मुरादाबाद। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, सीढ़ी नगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर या भारत माता मंदिर, ये सब कहाँ पे है? वाराणसी में। सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज, जौनपुर का। एक आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं लिखे हम कांच नगरी या कांच उद्योग के लिए, फिरोजाबाद। क्या है? फिरोजाबाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारे चैनल के सभी वीडियो पहले मिले, और आप लोग जितना इसको शेयर करेंगे उतना हमारा मनोबल